आगरा, तहसीलियत मधपुर के चौहान के पास बघेल बघेल बार के रहने वाले लाल ने वीरता का साहस दिखाया, जिसमें बहुजन समाज पार्टी जनपद आगरा का प्रतिनिधि मंडल गांव चौगान थार बघेल विधानसभा क्षेत्र इत्मादपुर जनपद आगरा के निवासी निहाल सिंह बघेल का सम्मान करने के लिए उनके आवास पर पहुंचा। और जैसा कि आप सभी को विदित है, यह वही निहाल सिंह बघेल हैं जिन्होंने 8 जुलाई सुबह लगभग 4:30 बजे यमुना एक्सप्रेस वे पर जिस सड़क हादसे में रोडवेज बस झरना नाले में गिरी थी और 29 लोगों की मृत्यु हुई थी, इन्होंने अपनी जान पर खेलकर झरना नाले में कूदकर लगभग 18 लोगों की जान बचाई थी। उन्होंने जो अदम्य साहस का परिचय दिया है, उसको देखते हुए बहुजन समाज पार्टी जनपद आगरा महामहिम राष्ट्रपति महोदय से यह मांग करती है कि श्री निहाल सिंह बघेल को राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित करने की कृपा करें, साथ ही इनकी शैक्षिक योग्यता के आधार पर इनको सरकारी नौकरी देने की कृपा करें। इनके गाँव के लिए कोई रास्ता नहीं है, न बिजली पानी की कोई व्यवस्था है। उत्तर प्रदेश सरकार से हम यह मांग करते हैं कि ऐसे साहसिक व्यक्ति को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवास दिया जाए। प्रतिनिधिमंडल में श्री देवी सिंह जाटव जॉन इंचार्ज आगरा मंडल, श्री संतोष आनंद जिला अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी आगरा, श्री मनोज सोनीपुर प्रत्याशी आगरा सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र, श्री कालीचरण सुमन जी पूर्व विधायक आगरा ग्रामीण, श्री लाखन सिंह चक जिला महासचिव बसपा, श्री मनोज सोनी नेता पार्षद दल, श्री सौरभ दयाल, श्री अशोक भारती, बच्चू सिंह पांडे, नरेश तनवार, महाराज सिंह वर्मा, मनोज राजपूत, अनिल जाडोन, लाडली प्रसाद, ओपी भारती, विधानसभा अध्यक्ष सुमित सिन्होरी, लाल बघेल, प्रवीण शास्त्री बघेल, महेश भास्कर, ब्रजमोहन बिरजू इब्राहिम, गौरी मोहम्मद अली उस्मानी, डॉक्टर प्रेम सिंह बघेल, महेश चंद्रा, कालीचरण बघेल, हिमांशु केशव दत्त, निवेश विकास पिपल, गौरव चक, सौरव चक, कमल सिंह बघेल, उमेश मौर्य, इवरन सिंह बघेल, सुनील कुमार बघेल, योगेंद्र सिंह बघेल, मनीष कमल, बच्चों सिंह आदि सैकड़ों की संख्या में बीएसपी कार्यकर्ता और समस्त ग्रामवासी उपस्थित रहे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही